हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल, वेलकम टू बी प्लान। अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपकी सैलरी टैक्सेबल है। जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होती है वैसे वैसे स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स सबमिट करना होता है। तो आज की मेरी वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानना चाहिए, ये टॉपिक है सेक्शन 80C। 80C क्या होता है, इसमें आप कितने अमाउंट तक का बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए, आज मैं इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वो लोग जो नहीं चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट करना फिर भी 80C का फायदा लेना चाहते हैं तो वो क्या करें, तो इस सब को देखने के लिए आपको ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको उसका टैक्स सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप 80C का फायदा लेना चाहते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक का 80C क्लेम फाइल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम होती है समझ लीजिएगा उसमें से 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, उतने अमाउंट पर आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे उसका डिडक्शन फाइल कर सकते हैं, तो आज मैं ये दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है। मेरा पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF। आप अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आपकी एक सैलरी आती होगी, तो आपका अगर EPF कटता है तो उससे आपको 80C में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। ये EEE कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है जब आप EPF के लिए अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। आप उसका जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और जो आपको विड्रॉल के टाइम पे पैसा मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब पूरी तरीके से टैक्स फ्री है और इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो आप इसके थ्रू भी 80C में क्लेम डिडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेरा टॉपिक है कि अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, तो आप उनके लिए ट्यूशन फी में भी 80C का क्लेम डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ता है तो उसके फीस में देखिए काफ़ी सारी वेरिएशन होते हैं, स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, लेबोरेटरी फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें जो ट्यूशन फ़ी होती है आप उसमें 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए देती है, लेकिन अगर आपको 4 बच्चे हैं तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं तो 2 बच्चों के लिए 80C में वाइफ कर सकती है क्लेम और 2 बच्चों के लिए हस्बैंड, तो इस तरीके से आप 80C में क्लेम डिडक्शन ले सकते हैं। मेरा थर्ड ऑप्शन है होम लोन। अगर आपके ऊपर कोई होम लोन है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी आप 80C का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट जा रहा है उस पर 80C का डिडक्शन नहीं होता है, उस पर दूसरे सेक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज हम सिर्फ 80C के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई भी घर परचेज किया है उस टाइम पे आपने कोई स्टाम्प ड्यूटी तो दी होगी, आपने कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी तो दी होगी, आप उसको भी 80C के क्लेम डिडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कि आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। जनरली लोग घर के लिए लोन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर सैलरी आती है तो EPF उनका कटता है, तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ ऑप्शन बताऊंगी जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें कि जैसे हम लेंगे लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी 80C के अंडर आता है। लाइफ इंश्योरेंस 3 तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका टर्म इंश्योरेंस, दूसरा एंडोमेंट प्लान और तीसरा आपका यूलिप प्लान। टर्म प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि जब आप जीवित हैं तब आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को उसका फायदा मिलेगा। आपने 65 या 70 इयर्स तक अगर कोई टर्म प्लान लिया है उससे पहले जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिलता है। अगर आप टर्म प्लान के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, टर्म प्लान क्या होता है, किसको लेना चाहिए या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड है एंडोमेंट प्लान। अब एंडोमेंट प्लान क्या होता है,
एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि आपको 20 साल या 30 साल तक के लिए लाइफ इंश्योरेंस रहती है आपके, इसमें कि 30 साल तक अगर आपको कुछ होता है तो आपके नॉमिनी को उसका जो भी सम इंश्योर्ड है वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। सेकेंड थिंग, इसका कुछ पार्ट जाता है इंश्योरेंस में और कुछ पार्ट जाता है आपका डेथ में। सपोज 30 साल का कोई भी एंडोमेंट प्लान लिया है, उस टाइम पीरियड में अगर कुछ होता है तो उसका नॉमिनी को बेनिफिट होता है। सेकंड थिंग, अगर कुछ नहीं होता है तो 30 साल बाद उसका अमाउंट जो इंक्रीज होके होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, इसे हम एंडोमेंट प्लान बोलते हैं। और थर्ड है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसको हम यूलिप प्लान कहते हैं। इसका अमाउंट दो पार्ट में जाता है, एक इंश्योरेंस में जैसा कि एंडोमेंट में जाता है और दूसरा इक्विटी में। अब इक्विटी में जाता है तो इसके थोड़े से परसेंटेज ज़्यादा होते हैं रिटर्न पे। ये हमारे तीन लाइफ इंश्योरेंस प्लान हैं, इस पे भी आप ATC का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है NPS। NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ये पूरी तरीके से ट्रिपली है, पूरी तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि आपने सपोज कोई भी पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया, उस टाइम पर आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपने जो भी उसका इंटरेस्ट लिया उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और विड्रॉल के टाइम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब आप विड्रॉल करते हैं तो NPS में एक ऐसी कंडीशन होती है कि 60% अमाउंट तो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाता है, लेकिन जो रेस्ट अमाउंट है 40% वो आपका पेंशन बन जाती है। जैसे कि जो 40% है उससे आपकी मंथली पेंशन सेट हो जाती है, आपको मंथली पेंशन के फॉर्म में आपको वो पैसा मिलता है। लेकिन जो पेंशन मिलती है उस केस में ये टैक्सेबल होती है, बाकी और किसी भी तरीके से नहीं होती। NPS में एक और सेक्शन का बेनिफिट आप 50,000 तक का ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में NPS के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ELSS। ELSS से मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम से मतलब है एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि आपका टैक्सेबल नहीं है, जो कि कुछ बैंक्स से मिलता है और उसमें टैक्सेबल नहीं है। ये EET कैटेगरी के अंदर आता है। EET से मतलब है कि जब आपने कंट्रीब्यूट किया उस टाइम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको इनकम आएगी लाइक विड्रॉल होगा तो आपके इनकम में जब वो ऐड होगा तब आप पे टैक्स लगेगा। तो ये EET कैटेगरी में आता है, इसमें भी आप ATC का क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 15 साल तक के लिए इसका लॉक इन पीरियड होता है और इसमें भी आप पूरी तरीके से ATC का क्लेम ले सकते हैं। PPF पूरी तरीके से EEE है। EEE से मतलब है exempt, ना ही आपको कंट्रीब्यूशन के टाइम पे इन्वेस्ट करने के टाइम पे आपको कोई टैक्स देना है, ना ही इंटरेस्ट पे कोई टैक्स देना है और ना ही विड्रॉल के टाइम पे कोई टैक्स देना है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आप ATC में डिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना ये गर्ल चाइल्ड के लिए स्टार्ट की है, गवर्नमेंट की स्कीम है। ये भी पूरी तरीके से EEE है। इसमें भी जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे पैसा, ना ही तब कोई टैक्स देंगे, ना ही इंटरेस्ट मिलेगा तब कोई टैक्स देंगे, और ना ही जब आपको विड्रॉल करेंगे तब कोई टैक्स देंगे। तो ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, लेकिन ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। अब मैं आपको कुछ 3-4 ऑप्शन ऐसे बताने वाली हूँ जो ETE कैटेगरी में आते हैं। ETE कैटेगरी का मतलब exempt, taxable और exempt। नंबर 1 है 5-year टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। ऐसी कुछ बैंक्स में आप जाके FD होता है जो 5 साल का, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें भी आप ATC का क्लेम डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 5-year पोस्ट डिपॉजिट स्कीम। इसमें आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अमाउंट सबमिट करेंगे 5 साल के लिए, तो उसमें भी आप ATC का क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये उन सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी की इनकम टैक्सेबल है, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं ATC में। नेक्स्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको हम NSC भी बोलते हैं। ये भी ETE है, exempt, taxable and exempt। इसका मतलब है exempt मतलब जब आपने कंट्रीब्यूट किया तब कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन इंटरेस्ट के टाइम पे आपको टैक्स देना है, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए हैं जिसमें कि आप ATC का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये सारे ऑप्शन नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन ले लेंगे तो आपका अमाउंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको ATC में सिर्फ 1.5 लाख तक का ही बेनिफिट मिल सकता है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिससे कि आप 1.5 लाख का डिडक्शन
इजीली ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लेना चाहते हैं आप तो आप उन ऑप्शन को चूज करिए जो टोटली ईईई हैं, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, जिसमें कि आप किसी भी तरीके से टैक्स नहीं दे रहे। उसका रीजन ये है कि अगर वो इक्विटी से रिलेटेड नहीं है तो 7-8% का उसका रिटर्न मिलता है और उस पर भी अगर आपको टैक्स देना पड़े तो आपके हाथ में तो सिर्फ 4-5% आया, इतनी तो वैसे ही महंगाई है, तो फिर आपको बेनिफिट क्या हुआ। तो इसलिए आप वो ऑप्शन चूज कीजिए जो टोटली टैक्स फ्री है। अब बाकी आपकी चॉइस है, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपनी सैलरी को 1.5 लाख तक का टैक्सेबल जो अमाउंट है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी कि कैसे आप अपने टैक्स को मैनेज करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप अपना टैक्स सबमिट ना करें या फिर आप इलीगल तरीके से उसको बचाएं। आपको कुछ ऐसे ऑप्शन बताऊंगी कि आप लीगली अपने अमाउंट को, अपने सैलरी को, अपने टैक्सेबल अमाउंट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 20 लाख, 30 लाख या उससे भी ज़्यादा है तो भी आप उसको मैनेज इजिली कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आपको टैक्स सबमिट नहीं करना पड़ेगा, कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से लीगली होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।